तो ये एंट्रेंस है इकबाल पार्क की, द ग्रेटर इकबाल पार्क की एंट्रेंस। हम एंटर हो रहे हैं, बाकी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है, तो आप देखते रहिए ज़रा। ये देखें जी कुछ ऐसा माहौल है, अंदर एंटर हो गए हैं पार्क के, बाकी आपको और भी दिखाते हैं आगे जो कुछ नज़र आता है। ये देखें ट्रैक्टर भी जा रहा है यहाँ से, ये कुछ ऐसा माहौल है ये ग्रेटर इकबाल पार्क का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व आला आलिही वसल्लम तस्लीमा। तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हैं द ग्रेटर इकबाल पार्क में, आपको टूर दे रही हैं द ग्रेटर इकबाल पार्क का, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखाएंगे और शाही किला, और टाइम बचा तो फोर्थ स्ट्रीट भी आपके यहाँ की दिखाएंगे। तो आपने सिर्फ देखते रहना है, प्यार देना है वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तो बस यही है आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलें आपको आगे का माहौल दिखाते हैं। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, आई थिंक यहाँ पे भी लोग सोशलाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं, सुकून करते हैं अपनी लाइफ को। जो पार्क है यहाँ पर ग्रीनरी है और फ्रेश एयर है, तो यही कुछ है यहाँ पर। ये सामने शाही किले की जो बैक वॉल है वो है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अभी इंतर लेके चलते हैं इंशाल्लाह आपको। और इस दिल में क्या रखा है, बस तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो यही मेरी कहानी है और आँखों में पानी है, सुनते जाइए। गिम्बल का कुछ खास रिज़ल्ट नहीं है, बस ये फेल हो गई है गिम्बल मेरी नज़र में। गिम्बल में 1 एक्सिस है ना 2 एक्सिस है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक सेल्फी स्टिक है बस। ये मोज़ा की नैनो SE गिम्बल, गिम्बल तो कहते हैं ऐसे लेकिन गिम्बल एक्चुअली है नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फी स्टिक है। कोई गिम्बल समझ के ले ली थी लेकिन मज़ा नहीं आया इनका ना। अभी इंशाल्लाह गिम्बल लेंगे, जो प्रॉपर गिम्बल है ना उस वो। ये देखें जी बच्चों के लिए झूले भी हैं,
यहाँ पर। और ये काम ख़राब है, ये जो ये काम है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, आपको वो चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए ये वो चीज़ है जो कहते हैं ना, फसल बचानी हो तो पुतला मार के लटकाना पड़ता है। ये वो पुतला है जो फसल बचाने के लिए लगाया हुआ है। देखें जी, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर। आपको लेके चल रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की तरफ, उसके बाद इंशाल्लाह शाही किला। मैं खुद बड़े दिन बाद आया हूँ, काफ़ी अर्से बाद ही आया हूँ मीनारे पाकिस्तान। बस इतफाक नहीं हुआ आने का, तो काफ़ी अर्से बाद ही आया हूँ। तो गाइस, ये कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ये अपना मोनूमेंट टाइप कुछ बना हुआ है। ये एक्चुअली खुतबा इलाहाबाद जो के वाक़यात, जब जिस दौर में मतलब वो हुआ था, तो उसमें जिस तरह की भी कंडीशन थी, जिस तरह जंग वगैरह हुई थी, ये सारा उसके बारे में सारा ये नक्श नगारी हुई हुई है। और इसके अलावा ये लिखा हुआ भी हुआ है इसके बारे में डिटेल में, कि जब 1930 में खुतबा इलाहाबाद जब मीनार पाकिस्तान में हुआ था, तो उस दौर के जो मनाजिर हैं, ये सारा वो उन्होंने एक दीवार में महफूज किए हैं। और ये कुछ लिखा हुआ भी है, ये सारा उसी के ऊपर है। ये हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ की। ये कुछ उस दौर के वाकयात, जब 1930 जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, उसके वाकयात की जो नक्श निगारी है वो हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं।
माशाल्लाह हमारे पठान भाई बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत लाइक करते हैं ऐसी जगहों को। वे भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं मीनारे पाकिस्तान के पास। आप देख लें ये मीनारे पाकिस्तान है। टाउन इज मीनारे ये भाई बच्चों के लिए यहाँ भी झूलों का निज़ाम है। अगर आप आते हैं तो यहाँ बोर नहीं हो सकते। वहीं आप तोतों के साथ तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं और काफ़ी ये सोवेनियर्स यहाँ पर हैं, ये पहन के आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक चार्जेस होंगे। ये 100 चार्जिंग है भाई, अभी प्रिंट निकाल के देंगे इसका, ईगल के साथ बना के फोटो देंगे। और ये सोवेनियर जो पीछे रखी हैं ये इसमें 100 पीस कॉस्ट्यूम का और 100 पीस फोटो का, 100 फोटो का और 100 कॉस्ट्यूम का और ईगल के साथ। भाई मोबाइल नीचे करो यार, जितनी फोटो आप क्लिक करवाएंगे उतनी आपको 100 चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, सिंगल पिक्चर आपकी 100। चैनल आपका कौन सा? 100 की सलमान अकरम। तो ये पैरट के साथ 100 चार्जेस। अच्छा जी, वो पैरट जो आपको दिखाए थे उसके साथ भी 100 चार्जेस हैं। तो आप इधर आते हैं तो अपनी ये पिक आप वगैरह ये बनाएं और माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर।
ये 100 पर क्लिक के जो 100 लेते हैं कॉस्ट्यूम के साथ, पैरट हो चाहे ईगल हो, ये 100 पीस लेते हैं। इस तरह की गाड़ियां भी हैं यहाँ पर, काफी रश है यहाँ पर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रश होगा, लेकिन काफी रश है।